साधना की विदाई का वक्त हो रहा था, पर अचानक से साधना की बातें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। ये तू कैसी बातें कर रही है साधना, तू विदा नहीं होगी, तेरी शादी हुई है दीपक के साथ, सब लोग क्या कहेंगे। माँ, अगले 6 महीने तक की तो बात है, उसके बाद तो मैं चली ही जाऊंगी। पर तुम मेरे साथ जाना क्यों नहीं चाहती हो, आखिर बात क्या है साधना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। दीपक बेटा, हो सकता है शादी के बाद ससुराल के नाम से घबरा रही हो, कुछ दिन मायके में रहने देते हैं, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा तो हम आकर ले जाएंगे। साधना बहू, जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे बोल देना, मैं दीपक को तुम्हें लेने भेज दूंगी। दीपक अपने माता पिता के साथ घर वापस लौट आता है। सुशीला, तुमने आखिर बहू को समझाया क्यों नहीं। बस तुम तो आते से ही शुरू हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शादी दीपक ने अपनी मर्जी से की है, अब मैंने लड़की में घुसकर तो नहीं देखा था ना कि उसके मन में क्या चल रहा है, राम जाने वो किसी और को चाहती हो और जबरदस्ती उसने दीपक के साथ शादी कर ली हो। माँ, ऐसा नहीं है, साधना ऐसी लड़की नहीं है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, पर इस वक्त वो ऐसा क्यों कर रही है इस बात को तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और तू कभी समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस गरीब भिखारी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी बनने ही नहीं दूंगी। अब देखना, मैं तेरी शादी अपनी करोड़पति दोस्त वसुंधरा की बेटी जिया से करवाऊंगी। अच्छा हुआ जब साधना कमरे में अकेली थी, उस वक्त सही मौका देखकर मैंने साधना को ससुराल ना आने की बात कह दी। साधना बहू, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, मैं यही सोच रही थी कि किस तरह मैं तुमसे ये बात कहूँ, बहुत हिम्मत जुटाकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ, अगर मैंने तुमसे ये बात अभी नहीं कही तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। साधना बहू, हमारे पुरोहित जी का कल फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी और दीपक की राशि में एक ग्रह दोष चल रहा है, इसलिए शादी के बाद अगर 6 महीने से पहले तुम ससुराल आ जाती हो तो दीपक की जान को खतरा है। अब इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अभी तुम ससुराल मत आना, मैं जानती हूँ ये बात जो मैं कह रही हूँ उसे पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। साधना, दीपक हमारा इकलौता बेटा है, उसे कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मैं ये बात तुमसे अकेले में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ दीपक इन सब बातों पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए ये बात तुम्हें सबसे छुपानी होगी और कोई बहाना करके ससुराल जाने से मना करना होगा। नहीं नहीं माँ जी, मेरे पैर मत पकड़िए, मुझे पाप लगेगा, मैं वादा करती हूँ मैं 6 महीने से पहले ससुराल नहीं आऊंगी, मैं दीपक को मना कर दूंगी। और फिर मेरा तीर सही निशाने पर लग गया, अब मैं दीपक को उस लड़की के लिए इतना भड़का दूंगी कि वो खुद उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये सारा खेल दीपक की माँ सुशीला ने रचाया था, वो दहेज की लालची औरत थी इसलिए वो साधना को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। बेचारी साधना भोलेपन में आकर इन सब बातों को नहीं समझ पाई और वो लगातार दीपक से इस बात को छुपा रही थी। दीपक साधना को फोन करता था तो वो उसका फोन काट देती थी या फिर काम का बहाना करके फोन रख देती थी। दीपक साधना से मिलने जाता है। आप दोनों बैठकर बात करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। साधना, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ये हमारी लव मैरिज है, हम दोनों ने एक दूसरे की इच्छा जानकर ही इस शादी के लिए यहाँ की थी, शादी के बाद तुमने अचानक साथ चलने से मना कर दिया, मैं तुम्हें फोन करता हूँ तुम मेरा फोन काट देती हो या फिर कोई काम करने का बहाना कर देती हो, आखिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, अगर तुम्हारे मन में कोई और था तो तुम मुझे शादी के लिए मना कर देती, मैं चुपचाप पीछे हट जाता। दीपक, मैं अभी इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती। ठीक है साधना, तो मैं 6 महीने बीतने का इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। दीपक वापस चला जाता है। साधना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी पर वो उन्हें छुपा लेती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 6 महीने पूरे होने में थोड़ा ही वक्त बचा था। दीपक इस बात को लेकर बहुत खुश था। माँ, 6 महीना बीतने में बस 1 हफ्ता बाकी रह गया है, मैं सोच रहा था हम साधना और उसके परिवार वालों से बात कर लेते हैं, फिर हम अगले हफ्ते उसे ले आएंगे। अब मुझे इस खेल में आखिरी चाल चलनी होगी, मुझे पता है ये खेल मुझे कैसे जीतना है। मम्मी जी, आपने मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों बुलाया। देखो बेटी, अब मेरी पुरोहित जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ग्रह दशा अभी 3 महीने और रहेगी, इसलिए तुम्हें 3 महीने का सब्र और करना होगा। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, पर क्या करूँ, दीपक अगर मेरा बेटा है तो तुम्हारा सुहाग भी है, तुम उसके लिए जो ये त्याग कर रही हो, सचमुच मैं तुम्हारा जितना भी एहसान चुका हूँ वो कम होगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं 3 महीने का सब्र और कर लूंगी और फिर मुझे तो सारी जिंदगी दीपक के साथ रहना है, तो फिर 3 महीने की तो बात है। सुशीला साधना को मिलकर घर चली जाती है। दीपक साधना की ये बात सुनकर गुस्से में तिलमिला जाता है। देखो साधना, मैंने तुम्हारी बातों पर बहुत विश्वास कर लिया, पर अब मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, मेरी जगह तलाक के कागज तुम्हारे घर पहुंचेंगे। दीपक, मेरी बात तो सुनो। दीपक, हेलो हेलो दीपक।
साधना तू ये सब क्यों कर रही है? तू क्यों अपने आप को और दीपक को दुख दे रही है? तू उसे बता क्यों नहीं देती कि तेरे ससुराल ना जाने की असली वजह क्या है? अगर तू कहे तो मैं दीपक से बात करूं। नहीं माँ, भूल कर भी आप ये बात दीपक से मत कहना, मुझे माँ जी ने अपनी कसम दी है। साधना रोती हुई माँ दुर्गा के मंदिर चली जाती है। उधर दीपक की माँ मन ही मन बहुत खुश थी। जो मैं चाहती थी वैसा ही होगा, अब दीपक साधना को तलाक दे देगा, फिर मैं अपनी पसंद की लड़की से इसकी शादी करवा दूंगी। उधर साधना दुर्गा मंदिर में माँ के आगे रोती है। माँ मैं क्या करूँ, अपने दीपक की जान बचाने के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। माँ कोई रास्ता दिखाओ, मैं दीपक के बिना नहीं रह सकती, वो मुझे तलाक देने वाले हैं, मेरी मदद करो माँ। जय माता दी। पुरोहित जी कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मंदिर आना हुआ। जय माता दी पंडित जी, वैष्णो देवी गया हुआ था, आज ही आया हूँ। ये तो कुल पुरोहित जी हैं, इन्होंने ही तो माँ जी को दीपक के बारे में, क्या मैं इनसे एक बार पूछ लूँ, शायद ये कोई उपाय बता दे। साधना कुल पुरोहित जी को उनके द्वारा कही बात पूछती है। नहीं बिटिया, मैंने तो सुशीला जी को ऐसी कोई बात नहीं कही। तुम्हारे विवाह के पश्चात तो मैं वैष्णो देवी यात्रा पर निकल गया था, आज ही आया हूँ। और तुम्हारे और दीपक के तो सभी गुण बहुत अच्छे से मिल गए थे, ऐसा कोई दोष तो तुम दोनों की कुंडली में है ही नहीं। क्या फिर माँ जी ने? पुरोहित जी क्या आप ये बात चलकर मेरी ससुराल में सबके सामने कह सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साधना के कहने पर पुरोहित जी उसके साथ उसके ससुराल जाते हैं और सारी सच्चाई कहते हैं। इसके पश्चात पुरोहित जी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद साधना फूट फूट कर रो पड़ती है। दीपक उसे संभालता है। उसके ससुर भी सुशीला की हरकत से बहुत शर्मिंदा थे। माँ, आपने दहेज के लिए मेरा और साधना का रिश्ता तोड़ना चाहा, मुझे तो शर्म आती है कि मैं आपको अपनी माँ कहता हूँ। मैं यहाँ से साधना को लेकर जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना पिताजी। मुझसे गलती हो गई, अब दीपक मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। जब तू ही नहीं रहेगा तो मैं इन रुपए पैसे का क्या करूंगी? साधना बहू इसे समझाओ कि रुक जाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दीपक हम माँ जी को इस तरह से रोता हुआ छोड़कर नहीं जाएंगे, आप इन्हें माफ कर दो। देखा सुशीला, जिस लड़की को बहू बनाने के लिए तुमने मना किया, आज वही तुम्हारा साथ दे रही है। अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार पर सुशीला उस दिन सचमुच बहुत शर्मिंदा थी।